दिस न्यूज इज ब्रॉट यू बाय महतारी ब्यूटी शॉप। दंगल ना होने से पहलवान पूरी तरह बेरोजगार हो गए। दो बार कॉलेज में गोल्ड मेडलिस्ट रहे जसप्रीत सिंह कालू भी दंगल ना होने से परेशान है। हिमाचल कुमार और गंगत कुमार रह चुके जसप्रीत सिंह कालू ने अपनी व्यथा सुनाते हुए कहा कि पिछले 1.5 वर्षों से वह खुराकें खाकर सिर्फ अपने अखाड़े में मेहनत ही कर रहे हैं, किंतु किसी भी प्रकार के दंगल ना होने के कारण उनकी आर्थिक स्थिति कमजोर हो चुकी है। पिछले 1.5 वर्षों में एक बार भी उनका दंगल कहीं नहीं हुआ, जिसके चलते आर्थिक रूप से एकदम से टूट चुके हैं। उन्होंने सरकार से गुहार लगाते हुए कहा कि अगर किसी प्रकार की आर्थिक सहायता नहीं हो सकती है तो कृपया करके दंगलों को शुरू कर दिया जाए। हाँ जी, अपना नाम दसो जी। मेरा नाम है जसप्रीत सिंह, शिंजा जी मैनू कालू के नाम तो जानते हैं ज़्यादातर, तो मेरा भरा है छोटा छोटू। तो तुम ये दसो कि खिताब तुम जीते हुए कॉलेज टाइम तो बाद कॉलेज टाइम भी मैं 2 बार नैशनल आ गया। अच्छा जी, 2 मैडल ही, फिर गंगत कुमार भी बनया लॉकडाउन तो पहले, काफ़ी 3-4 उधर चंबा केसरी भी 3-4 बारी बनया मैं उत्थे भी, तो उस तो बाद बंद हो गए। हूँ पिछले किन्ने साल तो तुम जरा घर बैठे हुए हो? 2 साल हो गए। 2 साल हो गया। तो लगभग एक दिन के देखो तो शरीर के हिसाब न अं एक मतलब कि आप ला सकते हैं कि इन्ना शरीर बनाने लिए खुराक की जरूरत है, तो तुम मैं ये दसो कि एक दिन बिच किन्ने की खुराक जी खा लो? खुराक तो जिनी मर्जी खा लो, हूँ अगे छिंजा चलदी हैं, चलो खुला खर्चा करते ही छिंजा नहीं है, 1,500 रुपया खर्चा है साडा। अभी पिछले 2 सालों तो घुआली रहे हैं दोनों भरा, अभी इतने प्रैक्टिस की है। पिछले साल भी सा लॉकडाउन वेस्ट गया, इस साल भी लॉकडाउन सारी तैयारी की, सारी सा कोई फायदा नहीं होया तैयारी का। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੋਨੋਂ ਭਰਾ ਘੁਆਲੀ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਘੁਆਲੀ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ? ਘੁਆਲੀ ਮਤਲਬ ਘੁਆਲੀ ਅਖਾੜਾ ਹੈ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਖਾੜਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਖਾੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਘੁਆਲੀ ਅਖਾੜਾ। ਅਸੀਂ ਉੱਧਰ ਕੀਤੀ ਦੋਨਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਪੱਕੇ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਹਾਰ ਕੀ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹੀ ਦਰਖਾਸਤ ਹੈ ਕਿ ਛਿੰਜਾਂ ਹੀ ਚਾਲੂ ਕਰ ਦਿਓ, ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਅਖਾੜਾ ਬਣਾਇਆ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਸਭ ਕੁਛ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਆਪਣੇ ਸਿਰ 'ਤੇ, ਸਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਕਰਦੀ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ, ਜੋ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅਖਾੜੇ 'ਚ ਸਮਾਨ ਆ ਸਾਰਾ ਸਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਲੈ ਕੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਅਖਾੜਾ ਹੈ, ਇਸ ਅਖਾੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਮੁੰਡੇ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦੇ? 10-15 ਮੁੰਡੇ ਡੇਲੀ ਆਉਂਦੇ ਆ ਮੁੰਡੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨ ਇੱਥੇ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਲਾਸਟ 'ਚ ਕੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਤਾਂ ਛਿੰਜਾਂ ਹੀ ਚਾਲੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋ ਹੀ ਰਹੀ ਆ, ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਰੈਲੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਜੋ ਸਭ ਕੁਛ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਿਰਫ ਛਿੰਜਾਂ ਛੱਡ ਕੇ, ਛਿੰਜਾਂ ਹੀ ਸਿਰਫ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।